यूपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे कैग ने डीआरडीओ की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट दी। हाल ही में कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीआरडीओ में मिशन मोड परियोजना का प्रबंधन और परिणाम शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में कैग ने डीआरडीओ की मिशन मोड परियोजनाओं पर कई मुद्दों को उजागर किया। इस रिपोर्ट में डीआरडीओ की परियोजना और लागत के अनुमान प्रक्रिया में गंभीर दोष को चिन्हित किया गया। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि एक या अधिक प्रमुख उद्देश्य पैमानों को पूरा नहीं होने के बावजूद योजनाओं को सफल घोषित किया गया तथा इन सफल परियोजनाओं को अनियमित रूप से बंद किया गया। पूर्व में बंद की गई सफल घोषित परियोजना के अपर्याप्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने के मामलों को भी उठाया गया। आपको बता दें, डीआरडीओ के गठन का उद्देश्य अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के साथ भारत को सशक्त बनाना है। इसका गठन 1958 में किया गया तथा ये रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक निकाय है। कैग भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कैग भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।